महाराष्ट्र में इस बार सहानुभूति लहर है। छगन भुजबल ने बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन, पवार परिवार को लेकर कही ये बात। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के बीच एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल एनसीपी नेता ने दावा किया है कि शिवसेना और एनसीपी पार्टी टूटने की वजह से उद्धव गुट और शरद पवार गुट को लोगों को सहानुभूति मिलेगी। इसका फायदा दोनों दलों को आम चुनाव में हो सकता है। इस बार एनडीए की राह आसान नहीं। छगन भुजबल एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि साल 2014 और 2019 की तुलना में इस बार एनडीए की राह आसान नहीं है। हालांकि देश की जनता को पीएम मोदी की लीडरशिप पर भरोसा है और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हुए कहा कि इस बार राज्य में भाजपा गठबंधन को थोड़ी चुनौती मिल रही है। शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी शरद पवार गुट के साथ लोगों की सिंपथी है, राज्य में एक सिंपथी लहर है। शरद पवार परिवार में ठीक नहीं हुआ। छगन भुजबल ने आगे महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट का भी जिक्र किया, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि जो लोग कभी एक ही घर में एक साथ रह चुके हैं वो आज एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हैं। यह किसकी गलती है यह दूसरी बात है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत है। आपको बता दें कि सीट से सुप्रिया सुले 3 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। 23 अप्रैल को सीट पर चुनाव हुआ है, वहीं 4 जून को मतगणना होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।